बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपसे कुछ ख़बरें शेयर करते हैं। इन ख़बरों का ताल्लुक सऊदी अरब से है, इसराइल से है, अमेरिका और ईरान से है, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी बनता है। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि आलमी फ़ौजदारी अदालत में इसराइल को एक शिकस्त हुई है और एक मुकदमा हारा है, और वो मुकदमा है कि फ़लस्तीन में जो इसराइल पे जंगी जराइम का इल्ज़ाम है वो उसकी तफ्तीश रुकवाना चाह रहा था इसराइल। और आपको मालूम है कि फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है, मकबूज़ा कश्मीर में जो सूरत हाल है उस जैसी और उससे संगीन जो है वो मशरक़ वस्ता में फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन है। फ़लस्तीन में भी यही सिचुएशन है इसराइल की तरफ से। जंगी जराइम की फहरिस्त तवील है। जो कुछ मकबूज़ा कश्मीर में हो रहा है उतना ही जुल्म और सितम, बल्कि एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं इसराइल और इंडिया कि कौन ज़्यादा जुल्म करता है मकबूज़ा कश्मीर में और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। तो ये एक मामला था जनेवा में, इसराइल की भरपूर मुखालफत थी, ज़ाहिर उन्होंने अपोज करना था, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात पहुँची हैं, जो ख़बरें हैं, जो तस्दीक हुई है वो ये है कि बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की प्रोसिक्यूटर को फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की जानिब से किए गए जंगी जराइम पर कार्रवाई का इख्तियार हासिल हो गया है। अब आलमी फ़ौजदारी अदालत, बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत इसराइल के ख़िलाफ़ ये मुकदमा सुनेगी, और ICC के जजों ने इस बारे में इसराइली एतराज़ात मुस्तरद कर दिए, वो ये कार्रवाई रुकवाना चाहते थे। अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी फ़ौजदारी की प्रोसिक्यूटर ने फ़लस्तीन में जंगी जराइम की तफ्तीश का इरादा जाहिर किया था, ताहम मुतनाज़े मामला होने की वजह से उन्हें जजेस की मंजूरी हासिल करना थी, क्योंकि जब आप किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप आलमी अदालत से इजाज़त लें। फ़लस्तीन में जंगी जराइम और जंगी जराइम पर तफ्तीश और कार्रवाई का इख्तियार आलमी अदालत को मिलने पर अमेरिका और इसराइल ने तशवीश का इजहार किया है। ताहम फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस फैसले को हक की फतह करार दिया है, और आलमी फ़ौजदारी अदालत की प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि 2014 के दौरान गजा पट्टी में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस जंगी जराइम की मुर्तकिब हो सकती हैं, ताहम फ़लस्तीनी तंजीम हमास को भी तफ्तीश के दायरे में लाया जाएगा। कानून के आलमी माहिरीन जो हैं जी वो इस बारे में ये कह रहे हैं कि ये इससे इसराइली फ़ौज की जो कार्रवाई से कई बात जो सोचेगी, अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो आइंदा इसराइल जो है वो कई बार सोचेगा कि वो कोई जुल्म सितम करे। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि गैम्बिया से जो प्रोसिक्यूटर का ताल्लुक है गैम्बिया से, और म्यांमार के ख़िलाफ़ रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी पर भी आलमी फ़ौजदारी अदालत में मुकदमा भी इसी मुल्क ने दायर किया था, गैम्बिया नहीं, जिस पर एंग सान सोची को अदालत में पेश होकर सफाई पेश करना पड़ी थी। तो ये एक अच्छा उम्मीद का झोंका है, ताज़ा हवा का झोंका है, और अगर ये मामला आगे बढ़ता है, इसराइल और अमेरिका वो के इस पर डिस्प्लेयर शो कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाएगा। यही चीज़ अब एक और भी मामला हुआ है, और वो है कि मैंने आपको एक ख़बर शेयर की थी सऊदी अरब के बारे में, जो पॉलिसी आई है नई, अब मज़ीद उसमें सऊदी अरब के लिए मुश्किलात जो हैं वो पेश होना शुरू हो गई हैं, और अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, जो कुछ वो कहते रहे इलेक्शन कैंपेन में, अब उन्होंने बाकायदा तौर पे सऊदी अरब और यमन के लिए मसाइल को हल करने के लिए एक खसूसी एलची भी मुकर्रर कर दिया है। और अगेन दूसरी बात ये हुई कि हौसी मलेशिया को जो दहशतगर्द करार दिया गया था, दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में से निकाल देगा, ये अब इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि हौसी मलेशिया को जो ट्रंप इंतज़ामिया दहशतगर्द तंजीम करार दे के इसको ब्लैक लिस्ट करके गई थी, अब उसको ब्लैक लिस्ट से निकाला जा रहा है। और 5 फरवरी को
अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने ये बात बाकायदा तौर पर बताई कि यमनी हौसी मलेशिया को दहशतगर्द ब्लैक लिस्ट से खारिज कर देगी जो बाइडन इंतज़ामिया। और मौजूदा अमरीकी सदर की इंतज़ामिया का यमनी हौसी मलेशिया को दहशतगर्द लिस्ट से खारिज करना भी ट्रंप की पॉलिसियों में तब्दीली का तसलसल है। और ये जहन में रखिए कि हौसी मलेशिया अब अगेन यहाँ पे देखें बड़ी ताकतें जो हैं वो गेम करती हैं और वो सिर्फ़ अपना मफाद सोचती हैं और लड़ाती मुसलमान मुल्कों को ही हैं। और यही बात पाकिस्तान भी कहता रहा सऊदी अरब को, अपने बरदर मुल्क को। अब एक तरफ वो ईरान के साथ विंडो ओपन कर रहे हैं और उनको उस जौहरी माहदे में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानब उनको एक रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि जो हौसी मलेशिया है यमन में जो बरसर पैकार है और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ भी बरसर पैकार है, हौसी मलेशिया उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान, और इसमें कोई शुबा नहीं है। और ईरान इसको तस्लीम करता है और वहाँ पे जितना भी हो रहा है, और बिल्कुल इसी तरीके से यमन सऊदी अरब का पड़ोसी, जैसे हमारा अफ़गानिस्तान में बदअमनी होगी तो सऊदी अरब में उसके असरात होंगे, सऊदी अरब को निशाना भी बनाया जा रहा है। और ये हौसी बागियों को असला कौन दे रहा है, हौसी मलेशिया को, हौसी बागियों को, ये उनको मिज़ाइल टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, तो ये सारे के सारे उनको यही ममालिक दे रहे हैं। और सिर्फ़ यही बात नहीं है कि सिर्फ ईरान ही नहीं है, उसमें मगरबी मुल्क भी हैं जो सऊदी अरब को ऑफ द रेकर्ड, तो सऊदी अरब को यकीनन मालूम होगा, और लेकिन वो अपनी ज़ुबान पे ये बात नहीं लाता, वो सारे का सारा यही कहता है कि क्योंकि एक जहाज़, बहरी जहाज़, फुल बहरी जहाज़ एक असले से भरा हुआ पकड़ा गया था और वो जो है वो मगरबी मुल्कों से हौसी बागियों की इमदाद के लिए आ रहा था, वो ईरान की तरफ से नहीं था। तो अब क्या किया जा रहा है, अब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ चूँकि मामला काफ़ी अच्छे थे MBS के, तो अब ये हो रहा है कि हौसी मलेशिया को दहशतगर्दों की लिस्ट से खारिज किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है, सऊदी अरब को ये कहा जा रहा है कि इस जंग को अब बंद करना है हमने और अब मज़ीद इस जंग को जारी नहीं रख सकते। और न सिर्फ ये बल्कि जो असला, बाकी भारी भरकम असले पे तो पाबंदी आयद की थी, अब जो गाइडेड मिज़ाइल हैं उन पे भी पाबंदी आयद कर दी है, वो भी अब अमेरिका सऊदी अरब और UAE को नहीं दे रहा। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो जंग है यमन वाली, ये है यमनी तनाज़ा जो है, ये शिया ईरान और उसकी सुन्नी खलीजी रियासतें जो हैं वो उसके दरमियान एक प्रॉक्सी जंग है, प्रॉक्सीज के ज़रिए लड़ी जा रही है और ये अब सबको मालूम है। और इसीलिए ये एक मशकूक एक्टिविटी ही समझी जा रही है सऊदी अरब की तरफ से भी, UAE की तरफ से भी, कि एक तरफ इसराइल को तस्लीम भी करवा लिया और इसराइल को इत्तेहादी भी बना दिया सऊदी अरब UAE का, बहरीन का और अरब ममालिक का, और दूसरी जानब इसराइल और ईरान की आपस में दुश्मनी। लेकिन जो ईरान के मुस्लिम सुन्नी ममालिक जो हैं वो मुखालिफ हैं ईरान के, उनको किसी भी सूरत में तगड़ा नहीं किया जा रहा। ये अमेरिका की नई पॉलिसी जो कि शकूक व शुबात है। यमन के सदर मंसूर हादी अपने इत्तेहादी सऊदी अरब के वलीहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो हाथ मिलाए हुए हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और अब अक्वामे मुत्तहिदा से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, अक्वामे मुत्तहिदा ने भी इस बात का खैर मकदम किया है, एक तो यमन की जंग बंद करवाने पे और दूसरा हौसी बागियों को ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए, हौसी मलेशिया को दहशतगर्द तंजीम से ख़ारिज करने के अमरीकी फ़ैसले का खैर मकदम कौन कर रहा है, अक्वामे मुत्तहिदा की तर्जुमान मिस्टर स्टीफनी जो हैं वो कर रही हैं। अमरीकी इंतज़ामिया का हालिया फ़ैसला लाखों यमनी बाशिंदों को सुकून और राहत का बायस बनेगा। तो ये चीज़ इस वक्त ये हो रही है अब अमेरिका के लिए, अमेरिका कह रहा हूँ सऊदी अरब के लिए, अब अगेन एक मसला बनेगा। और मसला ये बनेगा कि क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे भी कुछ खबरें जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, और ज़ाती तौर पे मेरे इलम में ईरान ने या हौसी मलेशिया ने सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उसकी मईशत को भी इस मामले में,
और उसकी सिक्योरिटी को भी। अब जो बाइडन इंतज़ामिया जो हैं, अब उसके मामले में अब सऊदी अरब जो है वो काफ़ी परेशान है, और परेशान इस सेंस में है कि जो F-35 और इस तरह का असला तो रोकना समझ में आता था, लेकिन जो गाइडेड मिसाइल जो थे अमेरिका जो दे रहा था सऊदी अरब और यूएई को, उन गाइडेड मिसाइलों की फ़रोख्त भी रोक दी है, और इससे यमन जंग में सऊदी अरब की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होगी और उसको अपनी सलामती के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। अब सऊदी अरब अब इसको अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके नायब वज़ीर दिफा हैं शहजादा खालिद बिन सलमान, उन्होंने अपने ट्विटर पे भी इसका कहा कि हम बहरान का हल तलाश करने के लिए दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसका जो इंटरप्रटेशन की वो ये थी कि हम गुज़श्त सदर जो बाइडन के इस का खैर मकदम करते हैं कि ईरान और इसके इत्तेहादियों के हमलों से निमटने के लिए जो सदर बाइडन ने एक नई पॉलिसी दी है, लेकिन ये मामला ऐसा है नहीं। इसको ट्विस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन जो इस वक्त मुख्तलिफ जो तज़ियाकार हैं जो आलमी ताल्लुकात को बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को समझते हैं, वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये 100% अमरीका की ट्विस्ट है पॉलिसी में, यमन पॉलिसी में, सऊदी अरब और यूएई की पॉलिसी में। और सदर बाइडन ने एक सीनियर सफारतकार टिमोथी लैंडर किंग को यमन के लिए अमेरिका का खसूसी एलची मुकर्रर कर दिया है, और उन्हें अक्वामे मुतहिदा के साथ मिलकर काम करने और यमन का यमन बहरान का हल तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें जहन में रखिए कि ऐसे मौके पे हौसी मलेशिया को सपोर्ट करना और ये सारे मामलात, ये बज़ाहिर जो है वो पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है हौसी मलेशिया की, और सऊदी अरब की पोजीशन को कमज़ोर कर रहा है। तो ये एक दोहरी कह लें चाल है, क्या है इसका अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ये अमेरिका का बहुत बड़ा टर्न है, ये छोटी बात नहीं है। इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अबू ज़हबी का वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक रब्ता किया है, और ये काफ़ी अरसे के बाद रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने का इत्तफाक किया है। और ये जहन में रखिए कि इस गुफ्तगु में सूरत हाल क्या हुई होगी, काफ़ी अरसे से मामला तातुल का शिकार है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो कर्ज़ा था मौखर कर दिया गया है $2 अरब का, यूएई ने भी $1 अरब का मौखर किया है, और सऊदी अरब ने भी $1 अरब का जो कर्ज़ा था हमें दिया, कर्ज़े के तौर पे दिया था, अमाउंट हमारे स्टेट बैंक में रिजर्व्स के तौर पर पड़ी थी, उसकी वापसी मौखर कर दी है। तो ये आला सतह का पहला रबता है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और यूएई के वली अहद के दरमियान, लेकिन इस तरह का अभी तक कोई रबता काफ़ी अरसे से सऊदी हुकाम के साथ पाकिस्तान के आला हुकाम का नहीं हुआ। एक जाते जाते बता दूं कि अमेरिका अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए जो सहाफ़ी कत्ल हुआ था तुर्की में खाशगी, उसका भी मामला जो है वो साथ साथ उसको भी उठा रहा है, और उसका वाहिद मकसद है कि सऊदी क़यादत को अंडर प्रेशर रखा जाए। और आपको मालूम है कि काफ़ी चीज़ें अमेरिकी हुकाम ने, अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने पास रखी हुई हैं, सारे एविडेंस इकट्ठे किए हुए हैं, एक रिपोर्ट तैयार की हुई है, और उसको वो जब चाहेगा सऊदी अरब के वली अहद के साथ ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा और फिर अपनी बातें मनवाएगा। इसी तरीके से सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान एक और वजह तनाज़ा जो है वो भी खड़ा होगा, और वो है ईरान का जौहरी प्रोग्राम। सऊदी अरब जो है वो मुसलसल एक ही डिमांड कर रहा है कि ईरान के साथ अब दोबारा जब मामला तय करने हैं, वो जौहरी माहिदा 2015 का उसको रिवाइज़ करना है, तो उसमें सऊदी अरब को भी शरीक किया जाए, लेकिन अभी तक सऊदी अरब को शरीक करने के मामले ईरान मुस्तरद कर चुका है, और अब
मुनहसर है अमरीका पे कि क्या वो सऊदी अरब का ये एतराज़ और ये तहफ़ुज़ात दूर करेगा, और क्या उसको सऊदी अरब को इतना वेटेज देगा कि वो ईरान के साथ जब वो अपनी डील को फाइनल करेगा और 2015 के माहदे में वापस शमूलियत इख्तियार करेगा, ईरान भी उस पर राज़ी हो जाता है, तो उसमें जो तजवीज़ आई थी फ़्रांस की तरफ से और फ्रांस या शायद जर्मनी की तरफ से आई थी कि सऊदी अरब को भी इसमें शामिल कर लिया जाए और ईरान के साथ जब मामला तय किए जाएं तो सऊदी अरब और यूएई भी उसका हिस्सा हों, लेकिन इस पे भी अमेरिका का भी इख्तलाफ है सऊदी अरब से और ईरान तो मुस्तरद कर ही चुका है। तो अब देखना यह है कि इस मामले में भी अमेरिका का जो है वज़न वो किस पलड़ में जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।